good morning 10th class students i hope that all of you are fine and taking all the precaution measures that will prevent you from this virus okay so in the last class we have completed with us chapter number second that is acid bases and salts and also we have completed about uh, the question answers that will based on the chapter number second ncit as well as i have already discussed some other questions with you so now we are on our third chapter that is metals and non-metals i hope that you somehow you have learnt about metals and non-metals you have heard it about you have uh, you have learned about the properties of metal and non-metals also i hope this chapter is an eighth class i think yeah it is an eighth class

उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज नोट टू बी एलिमेंट एंड टिल नाउ टोटल एलिमेंट्स एलिमेंट नोन है एंड डिवाइड इन टू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन इज मेटल सेकेंड वन इज मेटेलाइड एंड थर्ड वन इज नॉन मेटल ओके अब आप देखिए द चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस मेटल एंड नॉन मेटल अब ये कहा गया दीज आर ओनली देर आर ओनली सर्टिन टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटेलायड्स एज यू कैन सी इट इज लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल सो दीज एलिमेंट द मेटेलाइड्स है मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती है यू नो द एग्जाम्पल वेरी वेल आपको खुद से लिखने हैं मेटेयड की एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस इन द नाइंथ क्लास ऑल्सो मेटल एंड नॉन मेटल नाउ हाउ कैन वी पर्टिकुलर कंपाउंड इज मेटल और नॉन मेटल हमें कैसे पता चलेगा तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और दे आर दैट विल डिटरमाइंड कंपाउंड इज मेटल तो इट मींस वी कैन आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल ऑन टू प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मींस जिससे हमें देख के या कुछ ऐसा बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे विदाउट एनी केमिकल चेंज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन कंपाउंड इज मेटल और नॉन मेटल ओके अब आप नॉर्मली एक वुड का एग्जाम्पल लीजिए वुड लकड़ी ठीक है एक आपने लकड़ी ली एंड सेकेंड थिंग यू हैव टेकन एन आयरन रॉड न्यू आयरन रॉड एक आयरन रॉड लिया आपने और एक तरफ आपने एक वुड का कोई छोटा सा टुकड़ा लिया है ठीक है और आप छोड़ दीजिए और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं दोनों को दोनों में डिफरेंस क्या होगा वट विल बी द डिफरेंट बिटवीन दिज टू सपोज करो मेरे पास अभी आयरन रॉड नहीं है आई हैव दिस की इसमें स्लाइटली आयरन होता है ज़्यादा तो नहीं होता बट आई एम ट्राइंग जस्ट ट्राइंग टू शो यू दीज थिंग्स मेटल के एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे कंसिडर करती हूँ ठीक है ये मेटल है थोड़ा शाइनी है क्या है शाइनी कंपाउंड है थोड़ा सा इसमें शाइनी है नेचर में ये हमारा मेटल का कंपाउंड है इट इज अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट बाय मिक्सिंग सर्टेन एलिमेंट ये सिंपल से एक एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरा आप लीजिए कार्बन पाउडर आता है कोल आता है कोयला ठीक है आपने कोयला को देखा होगा विल मेड अप ऑफ कार्बन उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है वुड का आपने छोटा सा टुकड़ा लिया है और एक आपने ये कीज़ लिया है सपोज सपोज करिए इसमें आयरन इसमें ज़्यादा नहीं है बट वन ऑफ द मोन मेन कंस्टेंट इज़ आयरन ऑल्सो तो इसमें क्या चीज़ होगा आपका जो कोयला होगा जो कोल होगा और इसमें क्या डिफरेंस होगा द डिफरेंस फर्स्ट आपको दिखेगा इनकी अपियरेंस का इसमें क्या होता है थोड़ा शाइनी सरफेस होती है क्या होता है थोड़ा सा शाइनीनेस होती है लेकिन जब आप कोयला लेते हो या वुड लेते हो वो इतना इतना शाइनी उसमें आपको नहीं मिलेगा सेकेंड थिंग इज दैट आपने आयरन को कंसिडर किया आपने देखा होगा जो आप आपके टेम्पल्स होते हैं मंदिर जो होते हैं द रिंग वॉज देयर एक घंटी होती है वो आयरन आयरन की बनी होती है वाई इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज आपने देखा होगा जब आप उसे रिंग करते हो तो वो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करती है सो देअर आर सम प्रॉपर्टीज और दैट विल कैट कैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल नॉन मेटल का क्या है आप वुड लीजिए वुड वुड विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड आप अगर आयरन रॉड को हैमर से ब्रेक करने की कोशिश करोगे इट विल प्रोड्यूज अ साउंड बट वुड विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड सो देर आर समर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लेट एस डिस्कस वन बाई वन थिंग फर्स्ट वन इज मेटल आई एम डिसकसिंग मेटल हेयर एंड नॉन मेटल हेयर मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही हूँ यू हैव टू राइट डाउन योर सेल्फ फर्स्ट वन इज मेलिएबल फर्स्ट वन इज मेटल में क्या होता है मेलिएबल होता है मेलिएबल मीन्स क्या होता है मिलिएबल मीन्स है आप उसे मेल्ट कर सकते हो और उनकी थिन शीट बना सकते हो क्या बना सकते हो उनकी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हें मेल्ट करके मेलिएबल जैसे एल्युमिनियम एल्युमिनियम इज नोन टू बी मेटल एल्युमिनियम की थिन शीट्स होती है या नहीं होती दूसरा आयरन की आयरन आप कितना ही ब्लॉक कितना ही थिक रॉड ले लो अगर आपने लेना है तो इतना सपोज करो इतना थिक रॉड लिया है मैंने एक आयरन का और मैं अगर चाहूँ तो उस आयरन को इतना सा भी कर सकती हूँ इतना थिन इतनी थिन उसकी शीट भी प्रिपेयर कर सकती हूँ बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मेटर हो सकता ऐसा हो सकता है कि आप वुड को हैमर से बीट करते रहो एंड इट विल

वायर डक्टाइल का मीन्स होता है दे कैन भी इजिली कन्वर्टेड इन टू वायर आपने कॉपर के वायर सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज होता है कॉपर वायर ठीक है नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टाइल मीन्स यू कैन नॉट कन्वर्ट नॉन मेटल्स इंटू वायर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दे आर हैविंग मेटालिक लस्टर लस्टर मीन्स शाइनी शाइनी होते हैं ये मेटल्स जो होते हैं एंड सोनोरस इन नेचर सोनोरस का मतलब क्या होता है प्रोड्यूस साउंड वेन बिचन बाय अ हैमर या किसी भी और उससे आप बीच करते हो आप आयरन रॉड को देखो आप उस पर हथौड़ा हाँ मारिए वो एकदम सेन प्रोड्यूस करेगा एकदम वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस होगा सो दैट्स वाई मेटल्स आर नोट टू बी सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नोट टू बी नॉन टू बी नॉन सोरस नेक्स्ट आपका आपका आता है फोर्थ पॉइंट हाइट एंड साइल स्ट्रेंथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत हार्ड होते हैं मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं मेटल इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है ज्यादा होती है बट नो नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी स्ट्रेंथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स थोड़ा वीक होते हैं ईजिली ब्रेक कहना कह सकते हैं आप इजली ब्रेक हो जाते हैं दूसरा नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं ब्रिटल का मतलब क्या है ये तो सोनोरस हैं दे विल प्रोड्यूस साउंड लेकिन ये ब्रिटल हैं जब आप इसे हैमर से ब्रेक करोगे तो ना ये थिन शीट में कन्वर्ट होंगे ना ये वायर में कन्वर्ट होंगे दे विल ब्रेक डाउन वो क्या हो जाएंगे ब्रेक डाउन दैट्स वाई वी से दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर ओके नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है फिफ्थ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं गुड कंडक्टर कैसे सपोज करो मैंने आपको एक रॉड लिया है आयरन रॉड ठीक है ये क्या है मेरा आयरन रॉड है और मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया एज हीट इड डाउन हीट दिस आयरन रॉड मैं जब इसे हीट करूंगी आयरन रॉड को मैं इधर एक एंड हीट कर रही हूँ बट काफ़ी थोड़ी देर बाद आप देखोगे दिस एंड विल ऑल्सो बिकम हॉट अब इसके हॉट होने का मतलब क्या है आपने एक तरफ से हीट किया लेकिन दूसरा एंड भी हॉट हो रहा है इट मीन्स दैट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द आयरन रॉड आयरन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है दे विल ट्रांसफर देअर हीट टू वन एंड अदर ये वाला पार्टिकल इसे ट्रांसफर करेगा ये वाला इसे, ये वाला इसे ये वाला इसे ये वाला इसे ये वाला इसे इस तरीके से हीट आपकी कॉर्नर तक पहुँच जाएगी ठीक है वी कैन से दैट दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन पढ़ी थी दैट मेटल्स आर द कंपाउंड कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन आपको याद हो तो इन द नाइन क्लास वी हैव अबाउट एन आयन एंड कैटायर तो मेटल की एक डेफिनेशन होती है प्रॉपरली लूज देयर इलेक्ट्रॉन दे कैन ईजली लूज देयर